जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी NCC स्पेशल एंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपके 57th बैच के लिए भरे जा रहे हैं, जिसमें कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको रशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपकी कितनी वैकेंसी निकाली है। बेसिकली इसमें आपके 76 पोस्ट निकाले हैं और गाइज यहाँ पर 57th आपकी बैच है। और आप लोग इस फॉर्म को 11 जुलाई 2024 से लेकर के 9 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। NCC मैन के लिए कितनी वैकेंसी और वुमेन के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और फिर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके यहाँ पर आपकी एज लिमिट देख सकते हैं 19 से 25 साल रखी गई है और 1 जनवरी 2025 तक काउंट की जाएगी, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए। एंड जो एग्जैक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पास NCC सर्टिफिकेट C वाला होना चाहिए और यहाँ पर उसकी और भी डिटेल में जानकारी आपको दी गई है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे अब आप वो जान लीजिए। तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आ जाने के बाद में आपको ऑफिसर्स सिलेक्शन में चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर यहां पर मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन यहां पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन में आपको यहां पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री की योग्यता मांगी है, तो यहां पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप बताइए कि आप उसको पास कर चुके हैं या फिर अभी कर रहे हैं। कर रहे हैं तो अपीयरिंग और पास कर चुके हैं तो पास। उसके बाद में मेंटल स्टेटस, इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। फिर NCC सर्टिफिकेट, तो चलिए मैं यहां पर सी सिलेक्ट करता हूं, चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन NCC स्पेशल एंट्री मैन। अगर मैं यहां पर सी की जगह बी सिलेक्ट करता हूं और चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखते हैं कि इसमें जिनके पास NCC बी सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर मैं ए सेलेक्ट करता हूं और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करता हूं तब भी आप देखेंगे कि यहां पर मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, जिसका ये मतलब हो जाता है कि आपके पास सी सर्टिफिकेट NCC का होना चाहिए। अब आप यहां पर क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको अपनी ही वीडियो से देने वाला हूं, जो कि मैंने इस फॉर्म की जो पहली बैच की वैकेंसी आई थी तब बनाई थी, क्योंकि इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर आप लाइफ टाइम में एक ही बार दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आधार वेरिफिकेशन होता है। और मैं बार बार वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास किसी अन्य कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं प्रीवियस वीडियो का पार्ट इसमें आगे ऐड करने वाला हूं। सभी प्रोसेस सेम रहेगा। अगर कहीं पर कोई डिफरेंट ऑप्शन आए या आपको समझ में ना आए जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं वो, और जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहां पर आ जाने के बाद में अगर आप इसमें पहले से अपना अकाउंट बना करके रखे है, ऑफिसर सिलेक्शन की पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था कभी, तो आप डायरेक्टली आपका यूजर नेम यानी कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे। और अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर उसको रिसेट भी कर सकते हैं। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है तो आप यहां पर रशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से कंटिन्यू कर देंगे। देन गाइज आपके सामने पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, यहां पर आपसे पूछा है आपके पास आधार नंबर है या फिर इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर वो होता है जब आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आपको जो स्लिप मिलती है उसमें इनरोलमेंट नंबर होता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप यहां पर नन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास आधार है तो आधार आपको जरूर सिलेक्ट करना है। अब आप यहां पर आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, फिर जो आपका नाम है वो आपको यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, और आपका नाम आधार कार्ड के अंदर और आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर सेम होना चाहिए। फिर आप यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले आपका ईयर, इसके बाद में यहां से आपका मंथ और फिर यहां से डे। देन गाइज आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। यहां पर जो आप एंटर कर रहे हैं ये एंटर आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आपका OTP वेरिफिकेशन भी होता है। इसके बाद आप यहां पर टिक कीजिए, टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब जो आगे की जानकारी है वो मैं प्रीवियस वीडियो से दिखा रहा हूं, जब मैंने इसी फॉर्म को लेकर के बनाई थी। एंड वो इसलिए क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर आप एक ही बार अकाउंट बना सकते हैं और मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं दोबारा उसको नहीं बना सकता। मैं आपको उसी वीडियो का पार्ट
इसमें अटैच करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म कंप्लीट फिल करना है, तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की है उस ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, आपको थोड़ा वेट करना है, अगर ओटीपी नहीं आता है नहीं तो आपको दोबारा ट्राई करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना वो जो ओटीपी आपको मिला है वो एंटर करना है, जो कैप्चा कोड आपके सामने वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब चलिए जो अन्य जानकारी है वो कैसे भरनी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपकी डीओबी और नाम यहाँ पर पहले से फिलअप है, जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे एजुकेशन डिटेल, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके ये देना है कि मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीसी, ओपन, अदर या फिर स्टेट बोर्ड। तो हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उत्तर प्रदेश चूज कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो 10वीं है उसकी जो मार्कशीट है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर एंटर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसका जो साइज है वो आपका 200 KB से कम रहना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ओपन करना है और फिर आपको फाइल का नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली यहाँ से हम ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको चूज करना है कि आपने पास कर लिया फिर अपीयरिंग हो, तो हम पास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एट डेट ऑफ इनरोलमेंट, तो यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, इनकी सर्विस में हो, तो आपको डेट ऑफ इनरोलमेंट डालनी है, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है क्योंकि आप फ्रेशर हो। फिर आपको यहाँ पर इस तरह आना है और आप यहाँ पर देखोगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसके अलावा यहाँ पर आई हैव यानी कि आधार नंबर, तो आपने यहाँ पर कुछ ऑप्शन चूज नहीं किया, आपने नन सेलेक्ट किया है। अगर आप देना चाहते हो आधार या इनरोलमेंट नंबर तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सलाह दी जा रही है कि आपको अपना आधार कार्ड जल्दी से बनवा लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लीजिए, फिर उसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है और ये आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाओगे और आप इसको रिसेट करोगे, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करके पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहां पर आपको एक पासवर्ड एंटर करना है जिसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने डाला है उसको कंफर्म कर लेना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपका इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड, डिजिट, इसके अलावा एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर यहां पर जो कैप्चा कोड आपके सामने है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को अच्छे से चेक करना है और अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और आपको बोला जा रहा है कि आपको अप्लाई करने से पहले अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको यहां से ओके करना है। ओके करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर इस तरफ आकर के अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको ओके करना है और ओके करने के बाद यहां से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके पहले फोटो अपलोड करना है। जान लीजिए आपके फोटो का साइज 5 से 20 KB के बीच रहना चाहिए और फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का होना चाहिए, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं यहां से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं, तो आपका इमेज यहां पर आ जाएगा। इसके बाद आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। यहां पर सिग्नेचर का साइज आपका 5 से 10 KB के बीच में रखा है, हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, तो आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। फिर दोस्तों यहां पर आपको अगर इनमें से जानकारी देनी है, आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर, तो आप यहां पर अभी भी इसकी जानकारी दे सकते हैं और फिर आपको यहां पर नीचे आना है और आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है 10वीं की वो चेक कर लेनी है और नीचे आकर के जो कैप्चा कोड यहां पर दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, अब यहां से आपको ओके करना है और ओके करने के बाद आपकी जानकारी अपडेट हो चुकी है। अब यहां पर दोस्तों आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपने परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है, तो जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो एड्रेस यहां पर आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको यहां पर सिटी, टाउन, विलेज का नाम एंटर करना है। तो चलिए हम यहां पर इसको फिलअप कर देते हैं। स्टेट आपकी जो भी है स्टेट यहां से आपको चूज कर लेनी है, उसके अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहां से आपको सिलेक्ट करनी है। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहां पर आपको एंटर करना है। इसके सामने आप देखोगे सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने पर आपकी जानकारी इस तरफ भी आ जाएगी। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव
सेव हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो एलिजिबिलिटी का पेज है वो फिर से आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट है उसमें सी सिलेक्ट कर लेना है। सी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अप्लाई का लिंक है। अब आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार चेक कर लेना है। फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके सामने है, आपको इनको कन्फर्म करना है। साथ ही नेशनलिटी के अंदर यहाँ से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इंडियन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो फिर से अपलोड करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। इसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर है वो दिए गए साइज के तहत आपको यहाँ पर फिर से अपलोड करना है। हम इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर आपके सामने कम्युनिकेशन की जानकारी आ चुकी है। अब आपको फिर से यहाँ पर जानकारी भरनी होगी जो कि अभी आपने फिलअप की थी, और इसको फिलअप करने के बाद आपको सेम तरीके से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आती है एजुकेशन डिटेल, जिसमें कि यहाँ पर आपको बोला है कि प्लीज एंटर योर ग्रेजुएशन मार्क्स ओनली, ऑल पास्ट बीटेक बी कैंडिडेट मस्ट एंटर 4 ईयर मार्क्स, यानी कि आपको 4 ईयर्स के मार्क्स एंटर करने हैं। ऑल अपियरिंग जो कि बी बीटेक के अंदर अपियरिंग कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 ईयर के मार्क्स एंटर करने हैं, और जो ऑल पास्ट ग्रेजुएट है उनको यहाँ पर अदर देन बी बीटेक इनको छोड़ करके 3 ईयर्स के मार्क्स एंटर करने होंगे। जो ऑल अपियरिंग ग्रेजुएट है जो कि जिनके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है उनको यहाँ पर 2 ईयर के मार्क्स एंटर करने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बोला है कि आई फर्स्ट ईयर मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि आपको जो फर्स्ट ईयर है इसके अंदर ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे वो मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर आउट ऑफ कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको भरना है। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, मतलब कि आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर आउट ऑफ में तो लिखना है टोटल, और उसमें से आपको कितने आए थे वो लिखना है यहाँ पर आपको ऑब्टेंड के कॉलम के सामने। फिर सेकेंड ईयर में आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और सेम तरीके से यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देने हैं। इसी प्रकार से आपको थर्ड ईयर के अंदर कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर डालना है, और आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो डाल देने हैं। फिर फोर्थ ईयर के यहाँ पर आपके कितने नंबर थे वो यहाँ पर डालना है, और टोटल आपको यहाँ पर सेम तरीके भर देने हैं। ये भरने के बाद आपको यहां पर कैलकुलेट परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो परसेंटेज है वो यहां पर कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी, अगर आप इसके तहत अप्लाई कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है ग्रेडिंग इन एनसीसी सी सर्टिफिकेट, तो यहां पर आपको ए है या फिर बी है वो आपको चूज करना है। तो चलिए यहां से हम इसको ए सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑब्टेंड फ्रॉम, यानी कि जो सर्टिफिकेट है आपको एनसीसी का वो कहां से मिला है, किसके अकॉर्डिंग मिला है, तो आपको यहां पर वो एंटर कर देना है, उस जगह का नाम या फिर उस कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर आपको बेसिकली अपना वो डालना है जहाँ से आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिला है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट नंबर, आपका नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आता है डेट ऑफ इशू एनसीसी सी सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है कब इशू है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आता है वेदर सर्विंग इन आर्म फोर्स, अगर आप कर रहे हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। ये करने के बाद आपको सभी जानकारी चेक करनी है, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी और आपके सामने एसएसबी डिटेल आ जाती है। अगर आपके पास डिटेल है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको टाइप ऑफ कमीशन चूज करना होगा। इसके अलावा सिलेक्शन सेंटर आपको चूज करना है, और यहाँ पर बैच चेस्ट नंबर डालना होगा, रिपोर्टिंग डेट डालनी है, और रिजल्ट डालना है। बट अगर आपके ऊपर ये लागू नहीं होता, आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, तो यहाँ से नो सिलेक्ट कर दीजिए, और नो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जानकारी को एडिट करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको पूरी तरीके से श्योर होकर के एक एक जानकारी को चेक करना है, और फिर यहां पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री 55th ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड अगर आप यहां पर अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे तो फॉर्म सबमिट करने के बाद में आप हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर के अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा, तब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।